ओके, आज मैं आपको बताऊंगा सेलेक्ट का PIC 152 इसी सेटिंग कैसे करें। ये इंडिकेटर भी है और ट्रांसमिट करता है, हम कोई चीज़ वैल्यू भेजना चाहे बाहर किसी और PLC को तो भेज सकता है। तो उसके लिए हम पहले आएंगे, इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए। लेवल जीरो इस पर दिखाइए, लेवल जीरो मेरा इनपुट के लिए है, इनपुट मैंने के टाइप ले लिया, ठीक है। यूनिट में डिग्री सेल्सियस है, ये क्या वो सी डिग्री सेल्सियस यूनिट है। अच्छा जी, तो हमारा जो इनपुट है वो ले लेते हैं, वोल्टेज है वोल्टेज ले लीजिए, अगर मिलियम से मिलियम से लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए। वोल्टेज होगा तो आपको स्केलिंग डालनी पड़ेगी, मिलियम से तब स्केलिंग करनी पड़ेगी। टेम्परेचर में नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, जो भी चीज़ है ओके करते जाइए। तो ये मेरा हो गया इनपुट के लिए। अब ऐसा जो आउटपुट निकालेगा, क्योंकि आउटपुट भी निकालता है, ट्रांसमिट वाला है ये, उसके लिए हमको लेवल थ्री में आना पड़ेगा। लेवल थ्री में आके इसको प्रेस करेंगे, तुम्हें किस तरह का आउटपुट चाहिए, मिलियम चाहिए मिलियम से ले लूँगा, अगर वोल्टेज वोल्टेज ले लूँगा तो मिलियम से ले लिया मैंने, 420 mA चाहिए। उसके बाद मैनुअल ऑफ, मुझे जो है जो मेरा इनपुट आ रहा है वही मेरा आउटपुट में निकल जाए, मुझे ये चाहिए तो ये ऑफ रखूँगा। और लो कितना रहेगा मेरा उसका, तो मैं लो में जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरा हाई कितना रहेगा, मैं 20 mA से कितना चाहिए मुझे, ओनली 600 चाहिए, ठीक है ओके 600 मुझे चाहिए। लॉन्ग प्रेस करूंगा बाहर आ जाऊंगा, ये मेरी सेटिंग हुआ। अभी इसमें मेरा वायर लगे नहीं, इसलिए सेंसर ब्रेक आ रहा है। जब इसमें मैं थर्मोकपल के वायर लगा दूंगा के टाइप वाले पे, तो उसमें वैल्यू आ जाएगी। धन्यवाद।